आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक से लेके जनरल के थोड़े से स्टेप्स। सबसे पहले हम सीखेंगे एट के स्टेप्स। तो एट का जो बेसिक रहेगा वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप और पूरी डिटेल्स के साथ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके दोनों हाथ को पीछे ले लो। ओके, अभी क्या करना है, राइट पैर से जाना है और लेफ्ट पैर से वापिस आना है। एक बार मुझे देख लो यहां से, 1 2 3 4 वापिस रिटर्न आना है लेफ्ट लेग से, 1 2 3 4। ये पहले हमने सीखा, साइड पे गए वापिस रिटर्न आए, राइट से गए लेफ्ट से रिटर्न आए। अभी हमें क्या करना है कि 1 by 1 लेग जाना चाहिए। पहले राइट जाएगा उसके बाद लेफ्ट लेग, फिर राइट लेग, फिर लेफ्ट लेग। एक बार मुझे देख लीजिए, 1 2 3 4 यहां से टर्न ले रहना है, वापिस वापिस स्टार्ट करना है राइट से, 1 2 3 4। जैसे कि आपने देखा कि शुरुआत में हमने पहले क्या किया, राइट से गए लेफ्ट से रिटर्न आए, उसके बाद हमने 1 by 1 किया राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ओके, ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक। ओके, अभी हमें क्या करना है कि 1 2 और 3 4 में हमारा टर्निंग रहेगा। एक बार देख लीजिए, 1 2 3 और 4 में लेफ्ट लेग से टर्न लगाना है, 4 वापिस रिटर्न जाना है राइट से, 5 6 7 लेफ्ट से टर्न लगा के वापिस रिटर्न, 8। तो ये हो गए हमारे लेग मूवमेंट्स। तो अभी हम सीखने वाले हैं हैंड मूवमेंट्स। तो हैंड मूवमेंट सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों हाथों की हथेलियों को सामने की तरफ रख दो, उसके बाद अंदर की तरफ घुमाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हम आगे सीखने वाले हैं आगे के हैंड मूवमेंट्स। तो आगे के हैंड मूवमेंट्स में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ रहेगा और लेफ्ट हैंड की हथेली भी ऊपर की तरफ रहने वाली है, उसके बाद राइट हैंड थोड़ा सा कमर के लेवल पे रहेगा साइड पे। अभी दोनों हाथों की हथेलियों को एक साथ घुमाना है, ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से चेंज करना है, राइट हैंड को ऊपर ले लेना है और लेफ्ट को साइड से लेना है, वापिस दोनों हाथ की हथेलियों को घुमाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम आगे सीखने वाले हैं 1 by 1 हैंड मूवमेंट। तो एक बार मुझे देख लीजिए, पहले लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा राइट हैंड साइड में, पहले लेफ्ट को घुमाना है 1, उसके बाद राइट को सीधा ऊपर लेना है 2, वापस लेफ्ट हैंड को ऊपर लेना है 3, राइट हैंड 4। तो यहां से हम काउंट देंगे, स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अभी हम लेग मूवमेंट और हैंड मूवमेंट दोनों को मिलाएंगे, 8 का स्टेप हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक बार देख लीजिए, 3 2 1 and start। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी तरह के गरबा के बेसिक्स वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारा सिखाने का अंदाज कैसा लगा है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज ऑफ अब गरबा करेगी पूरी दुनिया।